हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लग चुका है, दूसरी तरफ कोरोना भी बढ़ रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी। देखो, जीवन है तो जहान है, और स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो स्वस्थ रहें, सावधानी बरतें, और सरकार की जो गाइडलाइन है उनका पालन करें। कोई भी अपने ज़रूरी कार्य हैं वो 9 बजे से पहले पूरे करें, और अपने घर पर सुरक्षित रहें। सर, बहुत सी जगहों पर शादी ब्याह का माहौल भी है और एक तरफ कर्फ्यू नाइट लग चुका है, जी इस विषय की क्या कहना है? देखो, शादियां तो हमने भी तीन तीन चार चार दिन की हैं, और पहले जो बैलगाड़ी है उसमें बारात जाती थी, फिर ट्रैक्टर, उसके बाद बस, और अब सबकी अपनी गाड़ियां हैं। एक चौपाल हुआ करती थी, उसमें 20-25 खाट आती थी, उन्हीं चारपाइयों पे पूरी बारात विश्राम करती थी। तो वो तो अभी भी इंसानियत के ऊपर है। 50 की, 100 की जो लिमिट है वो अपना अपनाएं, और जो रात की शादी आती है उस रात को ना करके अपना दिन में कर लें। सर, देखो दूसरी तरफ नवरात्र शुरू है, रात जी में जागरण वगैरह की संभावना रही है? जी जागरण तो अब सरकार के मुताबिक होंगे नहीं, सभी रद्द किए जाएं, और दिन में अपना जैसे चौकी होती है 1-1.5-2 घंटे की, 7 से 9 के बीच में वो चौकी का जो प्रावधान है, बजाय रात में करने के 6 बजे अपना शुरू करो, और 8-8:30 तक माता की चौकी कराएं बजाय बड़े जागरण। सर, तीसरे तक रमजान भी शुरू है, मुसलमानों की तरावी का ही मामला रात में उठ चुका है, जी उस पर क्या कह रहा है? देखिए, धर्म तो हमारा देश सर्व धर्म संभाव का देश है। इसमें सनातन धर्म सर्वोपरि धर्म है। बाकी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और जो भी हैं, सभी एक श्रृंखला के धर्मलाम्बी हैं। तो ये चीज़ तो देखो सभी पर लागू होती है। अब नवरात्रे हैं, सभी हिंदू भाई मना रहे हैं, उसके बाद आपके रमजान हैं। तो व्यवस्था तो जो कानून की है, सरकार की गाइडलाइन है, वो तो अमूमन सभी पर एक जैसी लागू होती है। और मैं अपनी तरफ से, समस्त अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा की तरफ से नवरात्रे और सनातन पर्व नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माता रानी की कृपा सभी पर बरसती रहे, नववर्ष मंगलमय हो, हमारा राष्ट्र उन्नति करे, विश्व में हमारा नाम हो, ऐसी मैं कामना और प्रार्थना करता हूँ। आप सभी को पुनः बधाई। जय हिंद, जय भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.